फ्रेंड्स वेलकम टू सत्यम शिक्षा सदन ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग फाइब्रस रूट के बारे में, कल टैप रूट देखे थे, आज फाइब्रस रूट देखोगे। प्लांट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स अराइज इन अ क्लस्टर बिलो द स्टेम एंड सेपरेटेड आउट इन द सॉइल इट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। ओके, आप इसे राइट करोगे, दिस रूट डज नॉट ग्रो वेरी डीप। ये क्या होता है, इस टाइप का फाइब्रस रूट जो होता है ये जमीन के ज्यादा नीचे नहीं जाता है, जैसे सुगर कैन का, जैसे सुगर कैन का हो गया, उसके बाद बनाना का हो गया, यानी वैसे रूट जैसे उसको धक्का दिया जाए तो वो गिर जाए, यानी उसका जो रूट होगा वो क्या होगा, ज्यादा डीप नहीं जाता है। तो यही बोला है, दिस रूट डज नॉट ग्रो वेरी डीप वे मेज सुगर कैन बनाना एग्जाम्पल हो गया उसका। अब जरा देखो, हम लोग डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट और फाइब्रस रूट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में क्या भिन्नता है, क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है, इट इज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इन टू द सॉइल। ये क्या होता है, टैप रूट वर्टिकली ग्रो होता है, और ये क्या होता है, इट इज सेपरेटेड आउट इन टू द सॉइल, स्प्रेड आउट, सेपरेटेड नहीं है, स्प्रेड आउट इन द सॉइल। दे कॉन्टेन अ लॉन्ग मेन रूट, दे डू नॉट कॉन्टेन एनी मेन रूट। इसके पास कोई मेन रूट नहीं होता, इसके पास एक मेन रूट होता है। इन दिस टाइप ऑफ रूट प्राइमरी रूट इज ब्रांच इन टू सेकेंडरी रूट, इज ब्रांच इन टू टेरिटरी रूट, बट दे डू नॉट हैव एनी ब्रांच हियर, नो एनी ब्रांच इन दिस टाइप ऑफ रूट। सो The roots are different thickness. Tap roots are different thickness as mango, neem, peepal. ये सब क्या क्या होता है, different tap root का thickness होता है, but the roots are same thickness. Fibrous root. तो ये हुआ दोनों के बीच का difference. अब हम लोग देखेंगे functions of roots. Look here. Functions of root. Prevent soil erosion. Roots bind the soil particles and thus prevent the soil erosion by wind or water. Sancharan. Yani mitti ke sancharan se root kya karta hai? Sancharan ko rokta hai. Jaise aap dekhte ho, road dekhe ho na, sadak. उसके साइड में क्या लगा होता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, चाहे जिस जगह पे मिट्टी का संचरण हो रहा है वहां बोला जाता है पेड़ लगाइए। वो क्या करता है, रूट मिट्टी के पार्टिकल्स को बांध देता है, विंड कर देता है, जिससे उसका संचरण यानी हवा और पानी के द्वारा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट एंड एंकर। रूट्स गिव सपोर्ट द प्लांट। रूट क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, जैसे आपको सपोर्ट आपका पैर करता है, पैर अगर ना रहे, वीक रहे, तो आप गिर जाओगे, ऐसे गिर जाओगे, ठीक है। तो क्या करता है रूट, प्लांट को सपोर्ट कर देता है। स्टोरेज ऑफ फूड। रूट्स स्टोर फूड इन सर्टेन प्लांट्स। रूट क्या करता है, स्टोर करता है फूड को सम प्लांट्स में। कंडक्शन। दे कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम। ये क्या करता है, कंडक्ट करता है किससे, सॉइल से मिनरल्स और वाटर कंडक्ट करके किसको दे देता है, स्टेम को और लीफ को। तब वो क्या करता है, अपना भोजन प्रिपेयर करता है और स्ट्रांग हो जाता है, यानी तो इसका ये फंक्शन हुआ एब्जॉर्प्शन। बिसाइड्स द अबव एडिशनल फंक्शन टू, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स थ्रू रूट हियर्स। और ये क्या, रूट हियर्स के द्वारा एब्जॉर्ब करके वाटर और मिनरल्स को पूरे पार्ट में क्या करता है, फैला देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इसे आप लोग रफ में राइट कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, समझिए, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले पार्ट में इसी टॉपिक के साथ। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।